30 दिनों में करें टीबी का इलाज। ये है असरदार घरेलू उपाय। ट्यूबरक्लोसिस या टीबी एक संक्रामक बीमारी है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होती है। यह ज्यादातर फेफड़ों में होती है और इससे रोगी को खांसी, कफ और बुखार हो जाता है। यह एक तरह का छूत का रोग है जिसका अगर शुरुआत में ही इलाज न किया गया तो यह रोगी के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। वैसे तो टीबी कोई जेनेटिक बीमारी नहीं है और यह किसी को भी हो सकती है, लेकिन जब परिवार में किसी एक सदस्य को टीबी हो जाए तो बाकी लोगों को काफी परहेज रखना पड़ता है, क्योंकि रोगी के खांसने और छींकने से जीवाणु फैल जाते हैं जिससे दूसरे सदस्य को भी यह समस्या हो सकती है। इस बीमारी का इलाज काफी धीमा है, रोगी को ठीक होने में काफी समय लग जाता है। ऐसे में डॉक्टरों की दवाओं के साथ टीबी का घरेलू इलाज भी कर सकते हैं जिससे टीबी के रोगी को फायदा होगा। आइए जानिए इसके कारण, लक्षण और घरेलू नुस्खों के बारे में। टीबी के कारण: अधिक धूम्रपान, शराब का सेवन, साफ सफाई न रखना, प्रदूषित हवा में सांस लेना। टीबी के लक्षण: भूख न लगना, वजन कम हो जाना, बुखार, लगातार खांसी आना और इसके साथ बलगम व खून निकलना, गर्दन की ग्रंथियों में सूजन या फोड़ा होना, सीने में दर्द, सांस तेज होना, थकान, कमजोरी। टीबी के मरीजों को संतुलित आहार के साथ हाई प्रोटीन डाइट लेना जरूरी होता है। दूध, अंडे, मुर्गा, मछली आदि में बेहतर प्रोटीन होता है, इसलिए मरीजों को भोजन के रूप में इसे ही यूज करना चाहिए। इसके अलावा लौकी, तुलसी, हींग, आम का रस, अखरोट, लहसुन, देसी शक्कर, बड़ी मुनक्का, अंगूर भी बहुत फायदेमंद साबित होते हैं। आइए अब बात करते हैं कुछ ऐसे आहारों की जो इस बीमारी में आपको ताकत प्रदान करके इससे छुटकारा दिलाने में मदद करेंगे। लहसुन से उपचार: यह कीटाणुओं का नाश करती है, इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, साथ ही यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। इसे कच्चा या पकाकर खाना चाहिए। इसे खाने का एक तरीका है कि 10 लहसुन की कलियों को एक कप दूध में उबाल लें, फिर उबाली हुई कलियों को चबाकर खा लें और ऊपर से दूध पी लें। ऐसा कुछ दिनों के लिए करें, पानी ना पिए, नहीं तो यह असर नहीं करेगी। कच्चे केले का जूस: केले में अच्छी मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है जिससे टीबी के रोगियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। यह कफ और बुखार को दूर भगाता है। रोगी को एक ग्लास कच्चे केले का जूस रोजाना पीना चाहिए। सैजन के औषधीय गुण: यह टीबी पैदा करने वाले बैक्टीरिया से छुटकारा दिला सकता है। यह फेफड़ों की सूजन को कम करता है, संक्रमण से राहत दिलाता है। आप सहजन की मुट्ठी भर पत्तियों को एक कप पानी में 5 मिनट के लिए गर्म करके ठंडा होने के बाद उसमें नमक, मिर्च और नींबू निचोड़कर रोगी को पीने के लिए दे सकते हैं। इसे रोजाना सुबह खाली पेट पीना चाहिए। इसके अलावा उबाली सहजन का रोजाना सेवन करने से भी राहत मिलती है। आंवला: यह शरीर को कई तरह के पोषण पहुंचाकर उसे मजबूती प्रदान करता है। इसका जूस निकालकर उसमें एक चम्मच शहद मिलाकर रोजाना खाली पेट पीने से यह बीमारी दूर होती है। संतरे का रस पिएं: एक ग्लास ताजे संतरे के रस में एक चुटकी नमक और एक चम्मच शहद मिक्स करके पिएं। इसे दिन में 2 बार पिएं। सीताफल के गुण: एक कप पानी में सीताफल के गुर्दे को 25 किशमिश के साथ उबालें। जब पानी एक तिहाई हो जाए तब तक इसे पकाएं। फिर इस मिश्रण को छान लें और उसमें 2 छोटे चम्मच चीनी और चुटकी भर इलायची पाउडर मिलाएं। ठंडा करके दिन में 2 बार रोज पिए। काली मिर्च के औषधीय गुण: काली मिर्च फेफड़े की सफाई करती है और टीबी की वजह से होने वाले दर्द को दूर करती है। 10 काली मिर्च के दाने को घी के साथ फ्राई कर लें, फिर उसमें एक चुटकी हींग पाउडर डालकर मिक्स करके ठंडा कर लें। मिश्रण को 3 भाग में बांटें और एक डोज को हर 1 घंटे में चबाएं। ग्रीन टी से फायदा: हम सभी जानते हैं कि वजन कम करने के लिए ग्रीन टी एक उत्तम उपाय है, परंतु क्या आप जानते हैं कि ग्रीन टी टीबी के लिए भी एक उत्तम उपचार है? इसमें प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो शरीर से मुक्त विषैले पदार्थों को बाहर निकालते हैं तथा आपके प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाते हैं।
इसमें पॉलीफिनॉल भी पाया जाता है जो टीबी पैदा करने वाले बैक्टीरिया को बाहर निकालने में सहायक होता है। टीबी की समस्या को दूर रखने के लिए दिन में 2 बार ग्रीन टी पिएं। पुदीना से फायदा। पुदीना आपके खाने के स्वाद को बढ़ाता है, परंतु यह टीबी से ग्रसित लोगों के लिए उपचार के समान है। इसका एंटीबैक्टीरियल गुण टीबी पैदा करने वाले बैक्टीरिया से लड़ने में सहायक होता है। यह फेफड़ों में स्थित बलगम को पिघलाता है तथा इसे स्वस्थ रखता है। पुदीना, शहद और माल्ट विनेगर प्रत्येक को 1:1, 1/2 के अनुपात में लेकर रस बनाएं। आधा ग्लास गाजर के रस में इसे मिलाएं। यह टीबी के लिए एक उत्तम उपचार है। अखरोट का लाभ। अखरोट में काफी ज्यादा ताकत होती है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। अगर आपको टीबी है तो यह आपके शरीर को ताकत से भर देगा और आपको एनर्जी भी देगा। 2 चम्मच पिसा हुआ अखरोट का पाउडर और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट मिक्स करके उसमें 1 चम्मच घी मिलाएं। इस मिश्रण को रोजाना रोगी को खिलाएं या फिर केवल अखरोट ही खिलाएं। इससे इम्यून सिस्टम में मजबूती आएगी।